हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मिल्क मेड बनाने की रेसिपी, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। फ्रेंड्स, अगर आप एक बार इस तरीके से मिल्क मेड बना लेंगे तो आप कई तरह की मिठाइयाँ इससे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मिठाइयों के अलावा भी आप इसे केक या फिर पुडिंग के बैटर में मिक्स करते हैं तो उनका टेस्ट दुगना हो जाएगा। इसे आप ब्रेड पर या फिर टोस्ट पर लगाकर बच्चों को दें तो उनको बहुत ही टेस्टी लगेगा। मैंने मिल्क मेड के साथ ही टोस्ट की एक ऐसी स्वादिष्ट मिठाई है जो आपको बहुत ही पसंद आएगी, तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए 1 लीटर फुल क्रीम वाला दूध लेना है और उसे गर्म करना है। दूध को गर्म करते समय गैस का फ्लेम हम स्लो से मीडियम सेट करते रहेंगे ताकि दूध उबलकर बाहर ना निकले। आप देख सकते हैं कि दूध में उबाल आ गया है और इसकी क्वांटिटी भी धीरे धीरे करके थोड़ा कम हो रही है, तो इस स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे शुगर पाउडर। फ्रेंड्स, मैं मीठे के लिए शुगर पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं है तो आप चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध में 120 ग्राम चीनी पाउडर यूज़ किया है और इसको मिक्स कर लेंगे दूध के साथ में अच्छे से ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। शुगर पाउडर दूध के साथ में अच्छे से मिक्स हो गया है, लेकिन अभी हमें इसे और पकाना है। जब तक कि इसकी क्वांटिटी कम ना हो जाए तब तक दूध को हमें उबालते रहना है, बट ध्यान देना है कि गैस का फ्लेम हम स्लो से मीडियम सेट करेंगे ताकि दूध उबले नहीं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो दूध की क्वांटिटी है वो हाफ हो गई है और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, लेकिन इसे अभी हमें और पकाना है। लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि ये बर्तन में लगे नहीं नीचे, और धीरे धीरे करके आप नोटिस करोगे कि ये गाढ़ा हो जाएगा, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक हो जाएगी। तो अभी इसे हमें और पकाना है। ऊपर बड़े बड़े बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये अच्छे से पक रहा है और गाढ़ा होता जा रहा है। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे ताकि ये लगे नहीं, और किनारे पर जो मलाई जम रही है उसको भी हम स्पून से हटाते रहेंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। ये देखिए, थोड़ा सा गाढ़ापन इसमें आ गया है, तो इस स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी बेकिंग सोडा। फ्रेंड्स, ये खाने वाला सोडा है जिसे हम खाने में यूज़ करते हैं, तो हाथ से इस तरीके से 1 चुटकी सोडा हमें इसमें ऐड करना है। जैसे ही सोडा मिल्क के साथ में मिक्स हो जाएगा, मिल्क में एक फॉमी टेक्स्चर दिखने लगेगा, जिससे कि जो मिल्क मेड हमारा बनेगा वो लाइट वेट हो जाएगा। इसको अच्छे से दूध के साथ में मिक्स कर लेंगे और लगातार चलाते हुए लगभग 5 मिनट तक पकाएंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि दूध हमारा गाढ़ा हो गया है और इसका स्ट्रक्चर भी फॉमी हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। रूम टेम्परेचर पर इसे लगभग 2 घंटे तक ठंडे होने देना है, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। 2 घंटे हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा गाढ़ा हो गया और बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है मिल्क मेड की। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी मिठाई बनाएं, केवल 2 चम्मच मिल्क मेड उसमें मिक्स कर लीजिए, मिठाई का स्वाद दुगना हो जाएगा और सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो आप भी मेरे इस तरीके से मिल्क मेड बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करके बताइए कि वो कैसा बना है। मैंने मिल्क मेड को टोस्ट के साथ में यूज़ किया और फ्रेंड्स, ये बहुत ही यम्मी मिठाई बनी है। तो आप टोस्ट के साथ में या फिर ब्रेड के साथ में भी इसे यूज कर सकते हैं, जिससे कि झटपट हमारी मिठाई बनके रेडी हो जाती है और ये सबको बहुत ही पसंद आएगी। अब जो टोस्ट लिए हैं मैंने, उस पर अच्छे से जो मिल्क मेड है उसको स्प्रेड कर देना है, इस तरीके से फैलाते हुए। बिल्कुल रबड़ी वाला टेस्ट इसका आता है और देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से मिल्क मेड बनाइए और उसके साथ में अपने मनपसंद की कोई भी मिठाई बनाइए और उसको खाइए, खिलाइए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मेरे चैनल का लिंक अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में शेयर कीजिए, ताकि सभी के साथ में मैं अपनी ऐसी ही न्यू रेसिपी शेयर कर सकूँ।